हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में ऑप्शन के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस है वो इतने बड़े होते हैं कि आपका सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पर ऑर्डर ओनली 20 रुपीज चार्ज लगते हैं और प्लस थोड़ा बहुत कुछ और चार्जेस लग जाते हैं, तो ऐसा मिला के कुछ 25 रुपीज चार्ज लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में चार्ज बहुत ही बड़े हो सकते हैं, और इवन के आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो आपके चार्जेस का हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी है कि जब बहुत बड़ा उनका लॉस हुआ है तो वहाँ पे उनका फाइनली प्रॉफिट है लेकिन चार्जेस उतने बड़े हैं कि वो लॉस में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टोरी से आपको पता चलेगा कि कैसे ऑप्शन में जो काम कर रहे वो लोगों के लिए ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो आप सभी ने ये दो बिल्ली और मंकी वाली कहानी जरूर सुनी होगी, कि जहाँ पे दो बिल्ली एक रोटी का टुकड़ा का दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और एक बिल्ली बोलती है कि तुम्हारे हिस्से में टुकड़ा ज़्यादा आया है और मेरे हिस्से में टुकड़ा कम आया है। तो उतने में एक बंदर आ जाता है और बंदर बोलता है कि मैं आप दोनों के ये जो रोटी का टुकड़ा है उसका इक्वली हिस्सा कर देता हूँ। तो यहाँ पर बंदर क्या करता है, एक बैलेंस लेके आता है और वो बैलेंस में दोनों साइड एक एक रोटी का टुकड़ा रखता है। तो जिस साइड रोटी का टुकड़ा ज़्यादा है वहाँ से बंदर थोड़ा सा टुकड़ा काट के खा जाता है। अभी क्या होगा, दूसरी साइड थोड़ा सा भारी हो गया तो बंदर दूसरी साइड से भी टुकड़ा निकाल के खा जाता है। तो इस तरह से बंदर पूरी रोटी खा जाता है और ये दोनों बिल्लियाँ देखती रह जाती। तो कुछ इसी तरह से हमारे साथ भी हो रहा है कि हम यहाँ पे बाय और सेल के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन साथ में ही चार्जेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो ये चार्जेस जनरली चार्ज करते हैं हमारे गवर्नमेंट प्लस ब्रोकर। तो यहाँ पे ब्रोकर का तो फाइनली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन जो नुकसान है वो बायर एंड सेलर का होता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं उतने ज़्यादा क्यों है वो हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज ओनली एंड ओनली 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो एक बार हम जीरोधा चार्ज कैलकुलेटर पे चले जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास इक्विटी, डिलीवरी इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन की बात करनी है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि 100 रुपये का प्रीमियम वाला कोई भी कॉल या पुट आप बाय करते हैं और उसको मान लीजिए कि 10 रुपये प्रॉफिट में आप सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 500 क्वांटिटी में काम किया है तो आपका प्रॉफिट जो है वो लगभग 5000 रुपये होगा। तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस है वो ओनली 142 हो गई, ठीक है। तो 5000 रुपये प्रॉफिट पे 142 चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो लोग कम क्वांटिटी में काम करते हैं उनके लिए भी देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक क्वांटिटी परचेस किया निफ्टी का और आपने सेल किया 110 पे, तो यहाँ पे आपके चार्जेस जो है ओनली 56 लगे। तो यहाँ पे एक लॉट के ऊपर आपका जो बाय एंड सेल ये दोनों साइड का चार्ज है तो आपका 50 रुपये यहाँ पे चार्ज लग गया और आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपये में से चार्ज माइनस करने, ठीक है। तो इतना आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो गेम है उसमें आप लूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पर तो चार्जेस हमें कम दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर आता है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि आप हर बार विन होगे, यहाँ पे आप कभी विन होगे और कभी लूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस है वो आपके बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्जेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार 500 क्वांटिटी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप समझिए कि जो ब्रोकरेज है वो हमारा 40 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये जाएगा जीरोधा के पास, बाकी STT है वो आपका 28 रुपीज़ लगेगा, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज ये भी 55 रुपीज़ लगेगा। तो ये दो चार्ज जो है वो बहुत ही बड़े है, और ये जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है उसके ऊपर प्लस 18% GST है, प्लस यहाँ पे जो 40 रुपीज़ है उसके ऊपर भी 18% GST। तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस है वो वेरिएबल है, फिक्स चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैट 20% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपका 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे STT जो है 0.05% है ऑन प्रीमियम। तो ये देखने में तो छोटा नंबर है लेकिन ये बहुत ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन बहुत ही फ्रिक्वेंटली करते हैं। साथ में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो बाय एंड सेल दोनों साइड लगता है और ये जाता है NSC को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो NSC को होता है, फिर दूसरे नंबर पे STT मतलब गवर्नमेंट को चार्ज जाता है, और तीसरे नंबर पे ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर बनाया है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो भी ट्रेड ले रहे हैं और यहाँ पे आपका जो विनिंग रेशियो 60% का है, तो अगर आप एक महीने के लिए ट्रेड करते हैं तो एक महीने में आप लगभग 20 ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आप 500 क्वांटिटी में काम करते हैं और आपका जो चार्ज है 146 हर बार लग रहा है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट करते हैं 5000 रुपीज़ का और आपका चार्जेस लग जाता है 146, ठीक है। अब चार्जेस ऐसा तो नहीं है कि आप लूज़ करेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा, आपको हर बार चार्ज लगता रहेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 20 ट्रेड ले रहे तो फर्स्ट टाइम आप 5000 आपको मिले, फिर आपको देना पड़ा, तो इस तरह से आपका जो टोटल प्रॉफिट बना वो 20,000 का बना, और यहाँ पर आपके जो चार्जेस लग गए वो 2900 लग गए,
मतलब कि अगर 20,000 प्रॉफिट के सामने चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 15% के आसपास आता है। अगर यही चीज़ आप एक लॉट में काम करते हैं तो यहाँ पे आपका जो 5,000 का प्रॉफिट है ओनली 500 का बनेगा। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, तो आपके चार्जेस जो है वो 57 रुपीज़ लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार 57 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रॉफिट बनेगा वो ओनली 2,000 बनेगा, लेकिन आपके जो चार्जेस है वो 1,100 रुपये है। मतलब कि जितना प्रॉफिट है उसमें से आधे से ज़्यादा तो चार्जेस लग गए। तो जब आप कम क्वांटिटी में काम करते हैं तो आपके चार्जेस यहाँ पे बहुत ही आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखें, और आप एक बार अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी एंड लूजिंग प्रोबेबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे 55% वर्सेस 45% है, और आप 10 लॉट में काम करते हैं तो भी आपके जो चार्जेस है वो 10-12% तो लगेगा ही लगेगी। तो ये चीज़ को माइंड में रख के ही आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।